हाय फ्रेंड्स, टुडे इज वेडनेसडे और अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 1 o'clock. एक्चुअली हबी इज आउट ऑफ टाउन, ही हैज गॉन टू हैदराबाद फॉर अ कॉन्फ्रेंस, एक्चुअली फॉर एन एग्जीबिशन आई शुड से. तो मैं और हिया बच गए हैं अकेले घर में एंड दोनों आर फीलिंग अ लिटिल सैड. सैड भी लगता है बिकॉज वी आर सो यूज टू स्टेइंग टुगेदर कि 2-3 दिन के लिए भी अगर टूर पे जाता तो बोथ ऑफ अस फील लिटरली वेरी बैड. तो वही इसलिए टू अपलिफ्ट आवर मूड हम लोग दोनों जा रहे हैं थोड़ा मॉल. बट आज मैं DLF मॉल नहीं जाऊंगी जो कि बाय नाउ यू ऑल नो इज माई फेवरेट. टुडे वी आर गोइंग टू लॉजिक्स मॉल क्योंकि मुझे वहाँ पे एक हिया के लिए एक टॉय देखना था जो कि मैंने लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो मैंने क्रॉसवर्ड में देखा था. बट देन आई थॉट सोचूंगी उसको उतना पसंद आएगा कि नहीं. बट अभी लग रहा है कि ले ही लेती हूँ. कुछ नहीं बहाना है जाने का, कुछ ना कुछ बहाने से आप निकलो तो लगता है कि हाँ कुछ फ़ायदा भी हुआ जाके. अदरवाइज सिर्फ घूमने जाना भी थोड़ा सा लगता है कि क्या ज़रूरत है, खासकर जब आप अकेले हो. तीनों साथ हो तो फिर तो लगता है कि रोज ही घूमो. बट वही दोनों अगर हो तो फिर लगता है कि ज़रूरत हो तो ही निकलो. और हाँ, सिंस 24th को था हबी का बर्थडे एंड ड्यू टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ रीजंस वी कुडंट सेलिब्रेट इट, तो मैंने इसलिए रखा है उनके लिए एक सरप्राइज कुछ. तो मैं वही थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे उनके लिए लेना है गिफ्ट. तो जैसे कि मैंने 2-3 ब्लॉग्स पहले बताया था कि मैंने उनके 3 full t-shirts उड़ा लिया है क्योंकि वो उनके लिए थोड़ा साइज में छोटा हो गया है क्योंकि कपड़ा श्रिंक हो गया है वॉश करते करते. तो मैं सोच रही हूँ आइदर आई बाय 1 full sleeve t-shirt जो कि थोड़ा सा मोटे कपड़े का हो एंड स्पेशली वेरेबल ड्यूरिंग विंटर्स, खासकर डे टाइम में. तो अगर ऐसा कुछ अच्छा मिले तो देखूंगी, शायद लूंगी. और सोच रही हूँ कुछ कफ लिंक लेने का बिकॉज ठंड में काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंसेस रहते हैं इन लोग के और मीटिंग्स भी होते हैं. तो इफ़ यू वॉन्ट्स टू वेयर अ सूट तो कफ लिंक अगर पहनेंगे उसके साथ तो अच्छा रहेगा. पता नहीं मिलता है कि नहीं, कुछ अच्छे क्वालिटी का एंड रीजनेबल रेट का मिलेगा तभी लूंगी. बट फिलहाल तो ये सोच के जा रही हूँ, अब जाके पता चलेगा क्या करना है, क्या लेना है या फिर कुछ ही नहीं लेना है, ऐसे घूम के जाना है. और ऑफ कोर्स हम लोग दोनों लंच लेंगे आज बाहर. सुबह हम लोग ने लिया था मैगी. एक्चुअली व्हेन ही इज नॉट एट होम मुझे कुछ भी काम करने को, स्पेशली कुकिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता रहता. जितना सिंपल से खा लो उतना अच्छा. हिया इज वेरी कोऑपरेटिव, उसको अब सिंपल दाल चावल भी दे दो विद लॉट्स ऑफ देसी घी तो खा लेती है. बट वही है, खराब भी लगता है. तो मैं कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल भी ना कुछ बनाऊँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. तो आज सोच नहीं रही हूँ आज बनाऊंगी मैं वो लोबिया एंड उड़द का जो दाल है जो कि विद स्किन है और साथ में लोबिया को मैंने कल रात को ही सोक कर दिया था. तो आके डिनर में वही बनाऊंगी, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में बनाऊंगी इसे कल भी हो जाए. एक्चुअली थोड़ा प्लान था मुझे पिक्चर देखने का विद हिया बट अभी कुछ ढंग के पिक्चर्स नहीं हैं. बट हाँ एक है आई थिंक कुछ निकला है, द फ्रोजन ऐसा कुछ नाम का है, देखती हूँ अगर होगा तो परसों अगर हो सके तो जाऊंगी बिकॉज ही विल बी रिटर्निंग ऑन फ्राइडे नाइट. तो तब तक मेरा जो थोड़ा बहुत बिलेटेड बर्थडे प्रिपरेशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा एंड इट विल बी अ बिग सरप्राइज फॉर हिम. बिग या स्मॉल आई डोंट नो बट ऑफ कोर्स सरप्राइज तो रहेगा क्योंकि मुझे ना हमेशा लगता है कि लाइफ के हर छोटे छोटे जो हम लोग के ओकेजन्स हैं या फिर जो भी मोमेंट्स हैं उनको इन्जॉय करना चाहिए. तो इतने साल हम लोग की शादी का 19 ईयर्स हो जाएगा इनफैक्ट कमिंग फेब्रुअरी में. तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिल्कुल कुछ खास सेलिब्रिटी नहीं किया. बट दिस टाइम आई डोंट नो, पता नहीं, मुझे शायद घर में ही कुछ अरेंज करना चाहिए था. हम लोग, मुझे लगा था क्योंकि संडे है, वीकेंड है, तो वीकेंड गो आउट एंड एंजॉय. बट वही बाहर जाना नहीं हुआ और लास्ट मोमेंट में कुछ मैंने वैसे कुछ रखा भी नहीं था इंतज़ाम की बनाओ. तो बहुत सिंपल लंच ऐसे ही रहा, बस इवनिंग में हम लोग निकले तो जो आपने देखा था लास्ट ब्लॉग में. तो चलो कुछ ना कुछ प्रिपरेशन, कुछ ना कुछ आइडियाज़ लगाते हैं, देखते कैसा चलता है. और आप लोग भी रहना मेरे साथ. और आज मैंने ये जो पहना है फैशन एंड बिग बाज़ार से, मैंने दिखाया था आपको ये वाला टॉप लिया था. तो वही जो मैं बोल रही हूँ, साइज़ का प्रॉब्लम है. मैक्स का एल साइज़ ज़रूरी नहीं कि आपको ठीक आए. और वही फैशन एंड बिग बाज़ार का जो एल साइज़ वो काफ़ी बड़ा हो गया है, मतलब इतना ज़्यादा ढीला है. बट इसका जो हाथ है वो एकदम फिटिंग है
पता नहीं, वैसे मुझे थोड़े ढीले कपड़े अच्छे लगते हैं, मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, और क्योंकि ये थोड़ा सा वो आई थिंक वुलन टाइप के कुछ है, मतलब वुलन एक्चुअली नहीं, बट वो जो होता ना फ्लैनल टाइप कुछ गर्म वाला कपड़ा का ही बना है, तो अच्छा भी लग रहा है पहन के, बट मुझे यहाँ पे ऐसे टाइट टाइट उतना पसंद नहीं है, बट ठीक है जैसा है वैसा है, आई थिंक इतना बुरा भी नहीं लग रहा देखने, ठीक ही लग रहा है, एंड बेस्ट पार्ट इज बहुत ही कंफर्टेबल है, और जीन्स मैंने लिया था मार्क्स एंड स्पेंसर में भरतपुर टूर के पहले, वो भी कुछ ज़्यादा ही लूज हो गया, वैसा लग रहा है कुछ बेल्ट या फिर कुछ नाड़ा टाइप बांध के पहनना पड़ेगा। एनीवेज तो हिया भी तैयार होगी, मैं भी तैयार होगी, तो चलो घूमने चलते हैं थोड़ी देर में, और मिलते हैं मॉल में और देखते हैं क्या क्या शॉपिंग करते हैं, तो कम ऑन लेट्स गो फॉर आउटिंग। মাম্মি ঘুরতে এসছে লজিক্স মল, এখানে আসতে দেখা যাচ্ছে, ওই তো লজিক্স মল, তাই না হিয়া? বাইরেটা একটু শপিংও হয়ে গেল, এক প্যান্ট লেনা হো গিয়া মেরে আপনে লিয়ে বুলেন প্যান্ট। হিয়া শপ সে মুখ ভেঙ্গায় হ্যাঁ হিয়া, হাই ফ্রেন্ডস,
तो अभी बज रहा है 7 o'clock ऑलमोस्ट इन द इवनिंग. मैं आ तो गई थी ऑलमोस्ट 5:30 करीब, बट आके वही थोड़ा सा फ्रेशन अप हुई एंड हिया चली गई सोने एट अराउंड 6 o'clock. उठ जाएगी आधे घंटे में शायद, और उसके बाद मुझे जाना है थोड़ा वॉक पे, क्योंकि वॉक कम से कम 1 घंटा करूँ तो मन भी बहुत हल्का लगता है, अच्छा भी लगता है फिजिकली टू. वैसे मॉल में काफ़ी वॉकिंग हो गया है, बट फिर भी देखती हूँ अगर मन करे तो जाऊँगी. और मैं हबी के लिए छोटे मोटे कुछ चीज़ें ले आई, तो मुझे लगा आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए. और लॉजिक्स मॉल आज भले ही वीकडे है, इट्स वेडनसडे, और आफ्टरनून का मैं 2 बजे शायद पहुँचूंगी वहाँ पे, ऑलमोस्ट 1:45 शायद पहुँच गई थी. बट इवन देन मॉल इज़ क्राउडेड, मतलब अभी विंटर्स में लगता है कि लोग आते ही रहते हैं, एंड क्वाइट पॉसिबल बाहर से भी लोग आते होंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग थे. बट लॉजिक्स इज़ वन मॉल जो कि बहुत ही अच्छा बन गया है. मैंने उसको फर्स्ट टाइम 2-3 साल पहले देखा था तो उतना मज़ा नहीं आ रहा था, बट अभी काफ़ी अच्छा हो गया मॉल. तो लेट मी शो यू, मैं शॉपर स्टॉप में गई पहले, तो इमीडिएटली देख के ही मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा. एक्चुअली आई एम टेलिंग टू यू ऑल गाइज, हबी को नहीं पता चलना चाहिए, मैंने उनके लिए केक भी ऑर्डर किया है, थोड़ा सा उनका हॉबी से रिलेटेड आज ही मैंने ऑर्डर कर दिया है मेरे यहाँ पे एक पहचान के उनके यहाँ पे, तो मैंने उससे रिलेटेड ही मैंने उनके लिए टी लिया है. ये मुझे जाते ही बहुत पसंद आ गया था, तो ये एक टाइप का है. फुल स्लीव्स में ऐसे, तो अभी इस वक्त शॉपर स्टॉप में यू आर गेटिंग 10% डिस्काउंट इफ यू बाय 1 प्रोडक्ट, और अगर आप 2 चीज लेते हो तो 25% मिलेगा डिस्काउंट. तो मुझे एक ही चीज चाहिए था, तो फिर मैंने फालतू में और कुछ नहीं लिया, जितना चाहिए उतना ही लो तो अच्छा. और हबी के पास इतने सारे टी शर्ट्स हैं, मतलब हाफ ज्यादा है हाफ स्लीव्स वाले, बट वो ये ना कि और ऐसा देख के लगता है शॉप में जाके इनके पास या तो अभी है या तो था, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही कलर्स या स्टाइल एंड डिज़ाइन के है ऐसा लगता है. तो ये मुझे थोड़ा सा हटके लगा, ग्रे ब्लैक एंड ऐसे कैमोफ्लाज प्रिंट में है, तो आई गेस ये तो ज़रूर उनको अच्छा लगेगा एंड होपफुली साइज इस बार ठीक हो. मैं बहुत सोच समझ के देख के मैंने लिया साइज खासकर, और वैसे प्रॉब्लम नहीं है, अगर चाहे तो वी कैन एक्सचेंज, 14 डेज का रिटर्न पॉलिसी है. तो एक ये हो गया. फिर साथ में ना आई एम लाइक अ लिटिल ऑब्सेस्ड विथ माय कॉफी एंड मिल्क मग्स, तो ये लाई हूँ. तो एक उनके लिए क्यों, अपने लिए भी एक ले लिया, तो 2 का मैं हमेशा कोशिश करती हूँ पैर खरीदना, कोशिश क्या हमेशा मैं 2 का ही पैर खरीदती हूँ. तो ये 2 हो गया हम लोग के लिए. कफलिंग्स मुझे नहीं मिला, मतलब मैंने शॉपर स्टॉप में ढूंढा और 2-3 वहाँ पे आसपास जो छोटे कुछ शॉप्स थे उनसे उन वहाँ जाके मैं ढूंढ रही थी, तो वहाँ कहीं मिला नहीं. बट आई गेस मुझे कुछ प्रॉपर सूटिंग एंड शर्टिंग्स वाले जो शॉप होते हैं ना, जैसे कि रेमंड का जो एक्सक्लूसिव शॉप है, इनमें जाना चाहिए था, बट दिखा नहीं आँखों के सामने, तो फिर मैं गई नहीं. तो मैंने वो आके अमेजोन में ऑर्डर कर दिया है कफलिंग्स, और बहुत सालों बाद मैंने लिया है ये चीज़, आर्चीज से कार्ड. आई रिमेम्बर जब हम लोग की शादी तय हो गई थी, या फिर जब वेन वी आर न्यूली मैरिड, एट दैट टाइम हम लोग बहुत कार्ड वगैरह लेते थे. फिर धीरे धीरे जब हिया हुई तब लगा कि वाई टू वेस्ट मनी ऑन कार्ड, रहने दो कोई ज़रूरत नहीं है. इस तरह से मैंने ही एक्चुअली कार्ड लेना और मतलब कार्ड खरीदवाना बंद कर दिया था, बट ही लाइक्स इट अ लॉट, तो ये सरप्राइज है उनके लिए. ऊपर लिखा है, डियर हस्बैंड, दिस बर्थडे कार्ड कम्स टू टेल यू व्हाट अ लविंग केयरिंग वंडरफुल पर्सन यू आर, जो कि वो है बहुत ज़्यादा है. और अंदर भी ऐसा एक और छोटा सा कार्ड है, उसमें लिखा है अनदर कार्ड दैट सेज आई एम मैडली इन लव विथ यू, तो वो भी है, सही है. अच्छा, इसके अंदर भी एक और कार्ड है जो कि बहुत क्यूट है, वैसे खुलेगा और अंदर ऐसे लिखा है, ऐसे यहाँ पे लिखा है इज अनदर वन दैट सेज यू डिजर्व, मतलब देयर इज अनदर कार्ड विच सेज यू डिजर्व, और उसको ये खोलते ही कितना क्यूट लगेगा देखना, ऐसा हग. ये लिखा है
ग्रेट बिग हार्ट फेल्ट हग. बड़ा क्यूट सा लगा मुझे. तो ये एक ले लिया है और ये है उसका कवर. इसके अंदर कुछ पर्सनलाइज मैसेज भी लिखूंगी, तो वो तो उनके लिए बिल्कुल पर्सनलाइज ही है. वो तो हस्बैंड वाइफ के बीच के जो होते हैं ना कुछ कुछ बातें, तो वैसे कुछ मस्ती वगैरह लिखना है. मतलब मस्ती क्या, लेग पुलिंग और कफलिंग्स भी सारे मैंने प्राइम अमेजन प्राइम से ऑर्डर किया, तो कल आ जाएगा बिफोर ही कम्स. और उसके बाद मैं दो तीन डेकोर पीसेस मंगवाए हैं. डेकोर पीस नहीं, थोड़ा सा घर को सजाऊंगी अलग से, तो वो तो आपको देखने को मिलेगा उनसे पहले. एक्चुअली क्या है ना कि राइट नाउ ही इज़ वेरी बिजी, तो उनके क्लाइंट्स के साथ गए हैं, तो सुबह से शाम तक अपने एग्जीबिशन में बिजी है, फिर डिनर भी उनके साथ ही कर रहे हैं, तो बहुत कम टाइम है उनको कि वो मेरा व्लॉग देखेंगे. तो 90% चांसेस ये है कि वो मेरा व्लॉग देखने नहीं वाले बिफोर कमिंग. तो सरप्राइज तो है उनके लिए काफ़ी सारा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, काफ़ी सारा मतलब थोड़ा बहुत है, काफ़ी सारा नहीं. तो सरप्राइजेस तो है उनके, थोड़ा बहुत देखते हैं कैसा कैसा क्या होता है. और हाँ, ये इस टॉय के लिए मैं गई थी हिया के लिए. ये ऐसे ये जो है ना, इनको मतलब हिया को बड़ा अच्छा लगता है ऐसे कुछ करना, कुछ कुछ चीज़ों के साथ, मतलब ऐसे प्रेस करना, ऐसे खेलना. तो ये हिया के लिए अच्छा भी है एंड आई होप शी लव्स इट. मेनली मैं इसी के लिए ही गई थी क्रॉसवर्ड में. कुछ बुक्स भी दिखे बट बाद में लूँगी वो. तो ये था अभी तक का तो मेरा शॉपिंग. और हाँ, मैंने एक अपने लिए वुलन पैंट लिया है 300 रुपीज का. वो जो बाहर बहुत सारे स्टॉल्स लगे थे वहाँ से, वहाँ पे तो आई गेस मॉल्स में तो है ही जो उसका चार्म, बट मॉल से बाहर एक अलग ही इन्होंने दुनिया बना के रखा है. देयर इज सो मैनी थिंग्स, ओ माई गॉड. मतलब अगर चाहो तो बाहर से बहुत कुछ शॉपिंग कर सकते हो. मतलब इट्स क्वाइट एन एंजॉयबल थिंग टू लुक अराउंड, सी ऑल दीज थिंग्स. तो चलो, फिलहाल तो मैं जाऊंगी, कोशिश करूंगी हिया को थोड़ा उठाना, क्योंकि अभी अगर ज़्यादा देर तक सोएगी फिर तो रात को भी बहुत लेट तक जगेगी. तो उसको मुझे लेना है मिल्क एंड देन देखते हैं वॉकिंग पे जाऊंगी कि नहीं. और आज का जो लच्छा पराठा था लंच में, लगता है बाहर किसी की मैरिज है आज, तो फटाके फूट रहे. तो चलो पहले दूध पिया जाए और वॉक पे जाया जाए. आज चल रहा है अकेले अकेले वॉकिंग, क्योंकि कोई भी फ्रेंड नहीं मिला. और इस वक्त आज मौसम काफ़ी ठंडा है, मतलब विंड इज़ ब्लोइंग वेरी फास्ट. एक तरह से अच्छा भी है हम लोग को, एटलीस्ट पोल्यूशन थोड़ा कम रहेगा. तो जस्ट नाउ ओनली फिनिश्ड हार्डली 2 किलोमीटर्स, दो चक्कर और कम से कम लगाऊँ और फिर जाऊँगी घर. तो चलो लेट्स कीप द वॉकिंग कंटिन्यू. मुझे बनाना है वही करी, तो वो भी कट कर लूं. तो उसके लिए चाहिए मुझे थोड़ा सा अदरक. तो पहले सोच रही सबको कट कर लूं और बाद में वॉश करूंगी, मतलब पीसने के पहले. तो पहले प्याज अदरक लहसुन कट कर लूं टीवी देखते देखते, और फिर टमाटर कट करूंगी और वॉश करके उसके बाद ही यूज करूंगी. तो यहाँ पे मैंने सब
सब इकट्ठा कर लिया है, ये चल रहा है टीवी। तो वही देखते देखते पहले ये कर लूं, और अभी कितना, अभी 8:40 बजने को है। हाँ, अभी 8:40 बजने को है, तो तब तक थोड़ा देखना भी हो जाएगा, और केबीसी से पहले शायद ये करी में बिठा भी दूं। आप कितने भी स्ट्रांग पर्सन क्यों ना हो, कितने भी स्ट्रांग वुमन, स्ट्रांग कितना भी आपका इंडिविजुअलिटी स्ट्रांग हो, बट एक चीज आपको जिंदगी में जरूर रुलाएगी और रुलाती ही रहेगी, चाहे कुछ भी कर लो। नो मेलोड्रामा, ओनली कॉमेडी, और वो है ये अनियन। ओ गॉड, 5-6 मैंने इतने छोटे वाले अनियन को मैं पील कर कट कर रही थी, इसी में इतने आंसू बह गए। कहते ना, प्याज के अरमा आंसू में बह गए, इस टाइप का कुछ कह सकते हैं। तो चलो, ये हो गया कटिंग करना। अब इनको वॉश करूंगी, और फिर इसमें टोमेटोज ऐड करके, मसाले ऐड करके करना है कुकिंग। तो पहले किचन भागूं, क्योंकि बचा है अभी 15 मिनट ओनली बचा है 9 बजने में, तो मेरा केबीसी भी स्टार्ट हो जाएगा। और तब तक इंजॉय कर रही थी मसाला न्यूज। अब चलते हैं, कुछ पेट पूजा के इंतजाम किया जाए। तो ये साबुत होल उड़द की दाल और लोबिया के साथ करी इज नाउ प्रिपेयर्ड। और इसको बंद करने के पहले मैं ऐड करूँगी क्रश्ड कसूरी मेथी, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था, क्योंकि कई बार सिंपल फूड बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में, और मुझे तो खासकर सिंपल फूड ही बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसके बाद ही फिर मैंने केबीसी देखा, एंड देन आज का दिन मेरा यहीं पे एंड किया फिर मैंने। तो मिलती हूँ मैं आपके साथ बहुत ही जल्दी एक और नए व्लॉग में या फिर वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू सून एंड गुड नाइट।